आज इंट्रोड्यूस होने वाला है राज्यसभा में। देखिए, एक टाउट्स की एक प्रोविजन है सेक्शन 36 में, तो उसमें हम एडवोकेट अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। उसमें उस प्रावधान को हम रख रहे हैं, क्योंकि कचहरी में, कोर्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जजों को भी प्रभावित करते हैं, वकीलों को भी प्रभावित करते हैं, लिटिगेंट को भी प्रभावित करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो वो बिल इंट्रोडक्शन के लिए आज लगा हुआ है। सर, अपोजिशन ये कह रहा है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले में फेल हो देखिए, गए। मैंने तो लोकसभा में पिछली बार पढ़ा कि सप्ताह में आएगा, मैंने तो पढ़ा। कहा है कि ऑर्डिनेंस 10 दिन में शेड्यूल है, 10 दिन में होना चाहिए। ऑर्डिनेंस नहीं, अलावा भी ऑर्डिनेंस नहीं, देखिए ऑर्डिनेंस नहीं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन रूल्स 198 के तहत वो लाए। उसमें लिखा हुआ भी है कि 10 दिनों में स्पीकर साहब इसकी विभिन्न दलों से बात करके चर्चा की तिथि तय करेंगे। तो अब 10 दिन कहाँ हुए, लेकिन मनीष तिवारी जी ने एक कॉल एंड सकदर को कोट किया है, और कॉल एंड सकदर को कोट करके कहा है कि ऐसी प्रैक्टिस है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने पे पॉलिसी मैटर को नहीं लिया जाए। हमने पूछा भी कौन से पॉलिसी मैटर, उन्होंने कहा बिल भी पॉलिसी मैटर है। तो मैंने कहा सरकार अल्पमत में है क्या? अगर आपको लगता है सरकार अल्पमत में है और हम पॉलिसी मैटर लेकर के आ रहे हैं, तो आप अपना बहुमत सिद्ध करिए ना, यहाँ लोकसभा में उस बिल को गिरा दीजिए। आपके पास इसका मतलब संख्या नहीं, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी और पर्पज के लिए लाए हो। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.